नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनडी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बाद सिटी पुलिस के तरफ से अलावे बीबी में आकर यहाँ हम लोग सब अपना रिस्पेक्ट पे किए। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुहर्रम एक मातम का ओकेजन है और इमाम हुसैन साहब के शहादत के बारे में और जो उन्होंने करबला में आने वाले जनरेशन्स के लिए जो लेसन्स दिए, वो रहती दुनिया तक सभी को मार्गदर्शन का काम करते रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत वक्त आते हैं जब कठिनाइयाँ, मुश्किलें सामने पहाड़ के जैसा दिखती हैं। उन सब मुश्किलों के सामने भी अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत, अपने उसूल पर अगर खड़ा रहने की शक्ति, ताकत अगर है, तो उस तरह की ताकत सभी लोगों को करबला से मिलती है। इमाम हुसैन साहब के तरफ से उन्होंने जो सीख दी है कि जो अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी ज़मीर, अपनी इज्जत, अपने प्रिंसिपल को उसको अहमियत देना। आज यहाँ आने के बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ कि मुझे याद दिलाई गई कि यहाँ जो गंगा जमुना तहजीब, जिसके बारे में हैदराबाद सारी दुनिया में जाना जाता है, जिसके कारण से इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि यहाँ हिंदू लोग शुरू से ही इसके हर फंक्शन में जुड़े हुए रहते हैं, झंडा उठाते हैं, छतरी हमेशा हिंदू भाई लोग ही उठाते हैं। तो इस तरह की मिसाल हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, हमारे कल्चरल, हमारे हेरिटेज के लिए बहुत फ़ख्र की बात है ये। और इन सब को देखकर, इन सब को सोचकर ऐसा लगता है कि वाकई हमारा देश, हमारा परंपरा दुनिया में सबसे बेहतरीन है। जहाँ तक पुलिस बंदोबस्त का सवाल है, तो हमारे सभी पुलिस ऑफिसर, खास करके साउथ जोन के हमारे सभी ऑफिसर, डीसीपी साउथ जोन के लीडरशिप में सभी अपने तरफ से बंदोबस्त किए हैं। प्रोसेशन में भी सब इंतजाम किए गए हैं। दो दिन पहले एक रिहर्सल भी हुआ, जिसमें निज़ाम ट्रस्ट से जो एलिफेंट जू पार्क से आए, उसको लेकर पूरे प्रोसेशन में लोग फिरे। इस मौके में मीडिया के तरफ से आप लोग को एक मैं अपील करना चाहता हूँ। आप जानते हैं हाथी एक जानवर है और कुछ दफ़ा वो ज़्यादा लोगों को अपने करीब देखकर घबरा जाता है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप हाथी के नज़दीक नहीं आएं, उससे दूर रहें। वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी करते रहें उनकी बातों को माने। और हाथी जो साल भर जिन लोगों को देखता है अपने चारों तरफ, वो हमेशा उसी को ढूंढते रहता है। तो जो भी जू से लोग आए हैं उनको हाथी के आसपास रहने दें, जिससे हाथी थोड़ा कंफर्टेबल रहे। कभी कभी खून को देख के भी वो चमक जाता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जहाँ भी जो भी चीज़ है हम लोग करेंगे, और हम लोग सब आपके सर्विस में हैं। इस मातम में हम लोग सब शरीक हैं और हम लोग सिटी पुलिस के तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई दिक्कत होने की गुंजाइश नहीं होने देंगे। शुक्रिया। हमारे डीसीपी ऑफिस के कंट्रोल रूम में, पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम में, सब जगह इसको एक साथ देखा जा सकता है। तो इसलिए बिल्कुल सब इंतजाम किए गए हैं और हम लोग सब आपके साथ हैं। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।